पर कई गल्लां इदां दियां ने जो मैं तुहानूं कदे नहीं कहियां, पर अज कहना चाहुंदी आं आई रियली लाइक यू। मैं तुहानूं बहुत प्यार करदी आं, आज तो नहीं जब तक तुहानूं पहली बार देखा है उदो तो विल यू मैरी मी। यू नो मैं सारा दिन थोड़े बारे सोचती हाँ, दिन तो छोड़ो मैनू तो रातों ड्रीम्स भी तुसी आने हो। आई नेवर थॉट कि मैं किसी लिए इदा फील कर पावांगी, पर मैं जदों तक थोनों वेखिया आई एम टोटली लॉस्ट। आई रियली लव यू अंगद। चाहत व्हाट आर यू सेइंग, मैं तेरे बारे कदे भी इदा ना फील नहीं कीता। इट्स ओके अंगद, आई नो तुसी इस सब बारे कुछ नहीं जानते सी, पर हुण तां तुहानूं पता लग गया ना, हुण फील कर लो। मैं तां तुहानूं इह सब दक्ष ते रोके ते ही दसना चाहुंदी सी, पर मैं दस नहीं पाई। मैं सच्ची तुहानूं बहुत पसंद करदी आं। चाहत लुक, मैं तैनूं कोई फॉल्स होप्स नहीं देना चाहुंदा, पर मैं तेरे नाल विआह नहीं कर सकदा यार। मैं किसी होर नूं प्यार करदा। ओ आतिशा राइट, एक ही कहा चाहत ने। हां पर तेनू किवें पता, मैं आतिशा नूं अपनी जान तो भी वध प्यार करदा। अंगद मैं थोनू की कहां, मैनू समझ नहीं आ रहा, थोनू इन्नी कुड़ियां विच ओही पसंद आई, तुसी ओदी ते अपनी एज च डिफरेंस तां देखो। एज छड्डो, तुसी ओदे ते अपने स्टेटस विच डिफरेंस देखो। राजियां वर्गी लाइफ छड्ड के तुसी झोपड़ी च शिफ्ट होना चाहुंदे हो। यार की एड्रेस दस्या सी, की क्या सी दक्ष वीरे ने? हाँ बिल्डिंग नंबर 9, ऑफिस नंबर 3, फिरोज गांधी मार्केट। एवी अकृति कहती सी जीपीएस ला लियो, अवनी तो बाद किसी नु लुधियाने बारे पता ही नहीं होना। ड्राइवर टेक लेफ्ट, अगे फिरोज गांधी मार्केट रोड ते थोड़ा ट्रैफिक होएगा। डू वन थिंग, तुसी दूसरे रोड तो ले लो। वाह सर, वो पिछले जन्म च किते तुसी डुगल मैप ता नहीं सीगे? सर मेरे कहन दा मतलब है तानू लुधियाने दे सारे रोड्स दा पता है। हाँ होवे भी क्यों ना, आफ्टर ऑल मेरा जन्म इत्थे होया। ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल आई एम बॉर्न ऑफ दिस सिटी। ये शहर ना मेरी जिंदगी दा अहम हिस्सा। शहर मेरी जिंदगी दा अहम हिस्सा है? औखे सफर से मेरा साथ देने लिए, पर हर बार मेरे आसान सफर नु मुश्किल क्यों बना देनी है? देख मेरा इंटरव्यू आज ही है ना, प्लीज मेरी सोनी रानी थोड़ा जा तेज चलना। कितने तेनू ए डर तो नहीं कि मैं तेन जॉब मिलने तो बाद रिप्लेस कर दांगी? तू फिक्र ना कर, मैं तेन कदे रिप्लेस नहीं करन वाली। हद है, तू की चाहनी मैं तेन बदल दिया धोखेबाज? पर कोई नहीं, मैं तेरे वर्गी नहीं हैगी। मैं नहीं तेरा पीछा छड्डन वाली, शाम नू वापस आके ना तेनू रिपेयर करवाउण वाली हां मैं।
इंटरव्यू तो मैं दे के रहूंगी। रुको 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 रुको, माता रानी इंडिया च रह के भी तुसी रिश्वत एक्सेप्ट नहीं ना कीती, करता ना अपशगुन, अब मनुष ना मिला के। चलानी नहीं आती, ये सब करके ना इतना खुश ना हो, तेनू ना श्राप लगना, तेरी गड्डी भी ना जाके रुक जानी अगे। सारे कपड़े खराब करते, रब करे तेरी गड्डी दा टायर फट जे। तेरी गड्डी एहो जी जगह ते खराब होवे जिथे तेनू ऑटो भी ना मिले। ड्राइवर लेट्स गो। माता रानी प्लीज मेरी आ गल सुन लियो, इनू अपन तंग करना जिवे ए मेनू करदा है। बैठ जाओ। चलो फिर जल्दी। बड़े पन सर कुछ नहीं, बस गड्डी खराब हो गई। What the hell? तुसी करो गड़ी चेक करके तुर सदे? सर करो चेक करके निकले सी, पता नहीं राज की हो गया। मैं तो लगता उसे काली बिल्ली अवनी दी नजर लगी है। तेनू ना श्राप लगना, तेरी गड्डी भी ना जाके रुक जानी अगे। तू सही कह रहे, वो कुड़ी जिथे भी होंदी है ना कुछ ना कुछ खराब जरूर होंदा। हुण जे करो गड्डी मंगाऊंगा ते लेट हो जाऊंगा। ओ सर मैं 5 मिनट च कैब बुक कर देनी है। मैं कैब चेक कर चुका, नहीं बुक हो रही। तुसी एदा करो गड्डी ठीक करवाओ, मैं अगे चलदा। सर मैं 5 मिनट कर देनी। मैं ऑटो वगैरह देख लूंगा, तू चुप रह, आई हैव अ मीटिंग। एदा ना जान तो चंगा तो मैं इंटरव्यू मिस कर दियां। दैट साउंड्स गुड, आई विल टेक दिस ऑटो। वैसे भी मैं कुड़ियां ना बैठन दे विच इंटरेस्टेड नहीं हां। हां तो फिर दूजा ऑटो ले लो ना, पहले मैं बैठी हां, ए मेरा ऑटो है। ज्यादा पैसे मैं दित्ते, ए मेरा ऑटो है। ओ पाजी भैन जी मैनू माफ करो, ए मेरा ऑटो है, मैं थोनू दोनों ले चलूंगा। हे लिसन, तेनू कुड़ियों का पता नहीं है, ए झूठ भी बोल दिया ते अपनी गलती भी नहीं मानदिया, इनू उतार दे। अच्छा ते तेनू लगता कि हमेशा कुड़ी ही गलतियां मनने, तुसी मुंडे तो उस खुद रब दी गलती हो, कुड़ियां ने दबाउन दी कोशिश करदे हो ना। तू ज्यादा बकवास ना कर। मैं नहीं बकवास कर रही, मैं लेट हो रही हूं, तू दूजा ऑटो ले ला। तू दूसरा ऑटो ले, मेरा काम जरूरी है। मेरा काम जरूरी नहीं। शट अप, यू शट अप। जिस हिसाब ना तुसी लड़के दोनों टाइम पास कर रहे, मैनू नहीं लगता तुसी लेट हो रहे हो। आ पकड़ो अपने पैसे ते मैडम उतरो तुसी ऑटो जो। हे मैं तेनू होर पैसे भी देने तैयार हां। मैनू नहीं लोड, मेहरबानी ओही होर ऑटो ते चल जाओ। पाजी मैं लेट हो रही हां, तुसी उतर जाओ ना, इन्हां नू उल्टे पासों ले लेना ऑटो। उतरो तुसी, मैम उतरो तुसी। सर मैं तेनू होर पैसे भी दे सकदा। तू पाजी अतिशा तू तैयार है ना? मम्मी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਚਵੜ ਚਵੜ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ। ਚੱਲ ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਆ ਬਾਲ ਬੂਲ ਬਣਾ ਆਪਣੇ। ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, किन्नी सोहनी लग रही है मेरी बच्ची, किसी दी नजर ना लग जे। बस माता रानी कृपा करे तेरा रिश्ता पक्का हो जावे, तू ना पूजा करन मंदिर जरूर जावी। चंगा मैं कल्ली बोली जा रही हूं,
मेरा बच्चा चुप क्यों है? आतिशा बच्चे मुंडे वाले आ रहे ने, की गल तू खुश नहीं है बच्चे? मम्मी मैं तुहाडे नाल एक गल करनी है। मैनू पता है तू की गल करनी है। तेरा ना एक घर छड के जान जी नहीं कर रहा है ना, इसे करके मेरे बच्चे दे चेहरे ते खुशी नहीं उदासी है। पर बच्चे ये पल ते हर कुड़ी दी जिंदगी चाहुंदा, एक ना एक दिन अपने माँ बाप का घर छड के जाना पैंदा है। बच्चे तू फिक्र ना कर, चंगा लगता मुंडे वाले आ गए, मैं देख दिया। तू ना अपने चेहरे ते स्माइल रख बच्चे, मैं देख दिया बार। I love you, Atisha. Atisha ji ne mera proposal accept kar liya hona hai. Oh God, you are really great. Hello, Atisha ji. नहीं अंगद, मैं बोल रही हूँ, चाहत। यार कोई इतना बेशर्म किवें हो सकता है? ब्लॉक करने तो बाद भी किने कॉन्फिडेंस ना कॉल कर रही है। पर आतिशा जी देख करो चाहत दा कॉल ये क्यों? आई नो तुसी मेरी गल सुन रहे हो, सो प्लीज ये ओवर एक्टिंग ना करो। एंड हाँ, मेरा फोन कटन की गलती ना करो, क्योंकि बाद विच थोनू ही रिग्रेट होएगा, क्योंकि मेरे को थोड़े लिए एक सरप्राइज है। And I don't think कि तुसी वो सरप्राइज मिस करना चाहोगे। सरप्राइज? क्या हो जाए सरप्राइज? I wanna know। सारियां गल्ला ना फोन ते नहीं हो सकती हैं। But हाँ, मैं थोनू एक हिंट दे सकती हूँ कि ये कल मैरिज से रिलेटेड है। मैरिज? हाँ। And जे तुसी ये सरप्राइज जानन च इंटरेस्टेड हो, इत आ सकते हो, अदरवाइज थोड़ी मर्जी है। मैंने शुरू से पता सी अपनी बहुत बनती है। आई लव यू गॉड। अंकल तुसी को खड़े हो गए बेटा, बैठो। कितने आंटी बस काम सी। काम बेटे हुंदे रहनगे, बैठो तुसी, शगना दा काम चलदा पिया है, एदा नहीं जाना। जे तुहानू सारी सिचुएशन बारे पता हुंदा ते तुसी इह सवाल कदे भी नहीं करदे। मॉम, अंगद नू सरप्राइज दे नाम ते शॉक मिलिया है, नवे नवे आशिक दे दिल ते गहरी चोट लगी होनी है। जी मैनू आतिशा थोड़ी नर्वस लगती है। नहीं नहीं जी, इस तरह की कोई गल नहीं, असल च ना मेरी धी बचपन तो शर्मीली है थोड़ी जी। अच्छा अच्छा, चल हुंदा कई बच्चे। अंगद जी
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਹੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੰਗਦ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਜਾਓਗੇ? ਆਤਿਸ਼ਾ ਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਿਓ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਦੁਲਾ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਪੀ। ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੰਗਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ, ਇਮੋਸ਼ਨ, ਡਰਾਮਾ ਸਭ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਚੋ ਪਿਆਰ। ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇਰੇ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਲੋ ਕੀ ਹੈਲੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਵਾਟ? ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਲੁਕਸ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਫਿਰਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੋਟ ਇਟ? ਸ਼ੋਭਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ?
सारी उम्र मैं इन्हां दे भविष्य बारे सोचिया है। पढ़िया लिखिया गवार है, किसी कुड़ी नाल किवें पेश आना मैनूं बिलकुल भी नहीं पता। चीता करदा तां मूंह तोड़ दिया। उहनूं किहो जिहा मुंडा चाहीदा है? मुंडे नूं आतिशा पसंद है, सानूं मुंडा पसंद है, फिर प्रॉब्लम कित्थे है? इहो जी कोई गल नहीं है। तुसीं ना हमेशा उहदी साइड लैंदे हो। ओ कारा ही लक्ष्मी नूं टुकराई जा रही है। वीर जी, पर जाई जी ना बिल्कुल सही बोल रहे ने। की खराबी सी मुंडे विच? इन्नी मुश्किल नाल तां रिश्ता आया सी। वेख्या, प्रीति जी नहीं समझ रहे ने, क्योंकि वो एक औरत है ते वो जानते ने कि कुड़ियां दे विआह च किन्नियां मुसीबतां आउंदियां ने। पर मैनूं ये समझ नहीं आ रही कि तुसी क्यों नहीं समझ रहे। मम्मी की होया, तुसी रो क्यों रहे हो? मम्मा आतिशा, he's fine now. माया जी, अंकल क्या हुआ? बच्चे ये फट के तो लग गई। अंगद, अंगद टॉक टू मी, होया की बच्चे? अंबर, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? What happened to him? Don't worry mom, he is fine now. नाले विदाउट हेलमेट तो बाइक चलाएगा तो ये सब तो होएगा ही ना। नाले कार छेनिया गड्डिया ने, पता नहीं इन बाइक तक की ऑब्जेशन। अंगद कितने सी बेटा तुसी? अंबर, where did you find him? मैं ऑफिस तो आ रहा सी, एकदम देखिया ये सड़क से डिग गया होया। फिर मैंने हॉस्पिटल लेके गया सी। हाँ, लोगों ने तो ये भी दसिया कि ये बाइक बहुत तेज ते लापरवाही ने चला रहा सी। पर अंगद बेटा, तुसी तो बाइक दे बहुत बढ़िया राइडर हो, फिर ये किवें हो गया? पता नहीं ये दिमाग च की चल रहा। नाले यही सब चलता रहेगा ना ते कल तां लोग यही कहणगे ना कि अंबर कपूर दा प्राक किन्ना केयरलैस है। फिर लोग सर ते चिक्कड़ तो सुटणगे। आई डोंट नो, जो दा मिलिया रोई जा रहा है। अंबर तुसी देख नहीं रहे, he is in shock. I know mom, but अंगद तुसी रेस्ट करो बेटा, जदों तुहाडा दिल होया तुसी अपनी मॉम नूं अपने आप सब कुछ दस देना, ठीक है बेटा? मैनूं तुहाडे तों इह उम्मीद नहीं सी बच्चे। आई एम सॉरी पापा, ओ मुंडा मैनूं पसंद नहीं है, ओहदे नाल विआह किवें? कि क्या तेनू मुंडा पसंद नहीं है? शोभा जी, ये की कर रहे हो तुसी? तेनू साडी जिंदगी च आराम देखना पसंद है या नहीं? या सारी उम्र सानू तड़पते वेखना चाहनी है तू? पर मेरी ऐसे अक्खां दी रोशनी भी कट गई है। इन्हां दे व्याह लई दाज इकट्ठा कर दिया, पर इन्हां नूं इक कदर ही नहीं है। की खराबी है उस मुंडे च? है नाले तेरे च इहो जी केड़ी खास गल है जेड़ा तू इन्ने नखरे दिखाई जा रही है? मेरी एक गल अपने दिमाग च रख ले। ये रिश्ता पसंद नहीं आया है तो उदे लिए आपा अपनी जान थोड़े दे देंगे। हसी रिश्ता मोड़ दे ता चंगे लगना सी, जे हर रोज रिश्ते आंदे होन इतनी मुश्किल ना एक रिश्ता आया सी। तू मेरे लाड प्यार का यही नाम देंगे मैनू? मैं कभी सोचा भी नहीं सिया। मम्मी, मैं जो भी कीता प्लीज तुसी मैनू मार लो, मेरे नाल गल ना करो, पर प्लीज इनहेलर ले लो,
दूर हो जा। मम्मी नहीं, दूर हो जा मेरी नजर तो, दूर हो जा। बहुत हो गया शोभा जी, मेरी आंखें तो दूर हो जा, तू कैसे आ जा। शोभा जी हालो इनहेलर लो पहले, दुखी बाकी गल्ला आपां बाद चो करांगे। जे तुसी हुण इनहेलर सुट्टिया ना ते शोभा जी मैनू भी नहीं पता मैं की कर सकदा। चलो तुसी अपने रूम च जाओ ते थोड़ा रेस्ट कर लो। जी मम्मा प्लीज चलो। नहीं मैं किते नहीं जानी, जिन्नी देर तक सब ठीक नहीं ना हो जाता कोई किते नहीं जाएगा। देखो ते सही इना कुछ करन दे बाद भी किन्ने आराम नाल बैठी है। पहला तुसी ठीक हो जाओ आप इस दे बारे फिर गल कर लेंगे। नहीं जदो तक मेनू व्याह तो ना करन दा कारण पता नहीं ना लगता मैं किते नहीं जाना जी। मैनू भी ते पता लगे कि एहो जी केड़ी वजह है जिन्ने इनू इन्ना बदतमीज ते बेगैरत बना दिता है। मम्मी तुसी इस तरह क्यों कह रहे हो, प्लीज ही सब ना बोलो। अतिशा दस मैनू तू व्याह क्यों नहीं कराना चाहती। तिशु पुत्र थोड़े मन दे विच जो चल रहा ना बेफिक्र होके कह दियो। देखो ते सही किन्नी भोली बन के बैठी है जिवें बाहर लाइन लगी होवे मुंडियां दे रिश्तियां लई। बस मॉम डैड ब्रो सारे प्लीज बाहर आओ। चाहत की होया बच्चे तू सारे नु आवाजा मार रही है, तू ठीक तो है ना। सब ठीक है डैड, नथिंग रॉन्ग। मैं ना एक्चुअली थोड़े नाल एक बहुत जरूरी गल करनी सी इस टाइम। पर होया की है चाहत, वो कोई नवा कलेश तो नहीं पा देता ना। सौम्या जी जो कुछ कहना चाहती है उन्हें बोलन दो, चल बोल बच्चे। डैड मैं ना व्याह दा डिसाइड कीता है। सच्ची शुक्र है किते ऐस कुड़ी दे मुंह चो भी कोई चंगी गल निकली है। जे तू सानू ऐस वास्ते इत्थे बुलाया फिर ते बहुत वधिया है, असी कोई चंगा जिहा विचोला देख लैने आ ते व्याह दी गल कर लैने आ। मॉम जे मैं व्याह दा सोचिया फिर मैं मुंडे दा भी तो सोचा होएगा ना। मैं ना लव मैरिज करवानी है। That's really great, sir. कौन है वो लकी मुंडा जिद लिए तू सानू इस टाइम बुलाया? मैं सब दा संगी ब्रो, पर मैं ना वेडिंग थोड़ी जल्दी करवानी है। एनी वेडिंग इद्दा दी होनी चाहिदी है जो कदे किसी ने ना देखी होवे। मेरे व्याह ते ना सब दिया नजरा मेरे ते टिकिया होन, मेरा व्याह नेशनल न्यूज बन जाना चाहिदा है। वाह तू तो मंडप भी सजा लिया, पर पहला ऐ ता दस मुंडा कौन है? मॉम जिस मुंडे ना मैं व्याह कराना चाहनी है ना वो अंगद है। मॉम हुन तुसी ना ओदे घर रिश्ता भेजन दी तैयारी करो। बस दरवाजा कौन खड़का रहा है? तुम्हें एक बार समझ नहीं आती मैंने दरवाजा हेंगर का लेट्स गो टू ऑफिस। ब्रो मैं कितने नहीं जाना। देख अंगद मैं तक चामी तो लावा किसी नाल भी प्यार नहीं जताया, पर इहदा मतलब ये नहीं
कि मैं तेनू चावी तो घट प्यार करता। तू देख जेड़ी भी चीज तेरे अंदरों तेनू परेशान कर रही है तू मैनू खोल के दस। मैं तेरे नाल हूं।